तो क्या हाल चाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब मौज ले रहे हो घर पे। तो आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ खूब सारी खबरें। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज। तो पहली न्यूज दोस्तों निकल कर आती है हमारी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से। तो ये गेम कुछ ही दिनों में रिलीज होने पे प्ले स्टोर पे नंबर वन पे आ चुका है और ये टॉप फ्री गेम्स में सबसे ऊपर वाला गेम आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मिल जाएगा। अब हमारी अगली खबर निकल कर आती है दोस्तों गूगल की तरफ से। गूगल के जैसा आपको पता है एप्लीकेशन जो होती है वो एपीके फॉर्मेट में होती है, तो ये अब कुछ ही अगस्त के आसपास ये एक अपडेट होगा जब ये एपीके से एएबी बन जाएगा, यानी एंड्रॉइड ऐप बंडल। जी हाँ, एंड्रॉइड ऐप बंडल बन जाएगा, यानी डॉट एपीके नहीं डॉट एएबी हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की एक्सटेंशन। तो बड़ी खबर है। अब हमारी अगली खबर निकल कर आती है एप्पल की तरफ से। एप्पल आईफोन 13, जहां तक इसके लीक्स निकल कर आ रहे हैं तो र्यूमर से ऐसा लग रहा है कि अब स्क्वायर शेप में इसका कैमरा लेआउट आपको दिख जाएगा और हो सकता है एक एक्स्ट्रा सेंसर भी उसमें आपको मिल जाए, यानी कि शायद क्वाड कैमरा आपको इस बार आईफोन 13 में मिल सकते हैं। तो ऐसे र्यूमर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी अगली खबर निकल कर आती है आईफोन 14 की। जी हाँ, आईफोन 13 तो आया नहीं पर 14 के भी र्यूमर्स आ रहे हैं, और र्यूमर्स ये हैं इसके कि जितने भी आईफोन 14 सीरीज के डिवाइसेस होंगे सबके अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको मिलेगा। और देखते हैं र्यूमर्स कहाँ तक सच होते हैं या फिर र्यूमर्स ही रह जाते हैं। अब अगली खबर हमारी निकल कर आती है वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस गीक स्कोर में चीट करता हुआ पाया गया है, इसलिए उसे गीक बेंच स्कोर्स की लिस्ट से हटा दिया गया है। वन प्लस 9 की पूरी सीरीज को हटा दिया गया है, जहां पे 9 प्रो और वन प्लस 9 दोनों फोन आ रहे थे जो चीट करते हुए पाए गए हैं स्कोर्स के लिए। तो काफी चौंकाने वाली खबर है। तो देखते हैं वन प्लस क्यों कर रहा था ऐसा, उसको स्कोर्स की क्या जरूरत पड़ गई थी, आखिरकार इतना बड़ा यूजर बेस है उसके पास, न जाने ऐसा क्यों कर रहा है। और आखिरकार कलर ओएस में भी जा रहा है वो ऑक्सीजन ओएस को छोड़ के, लगता है वन प्लस के बुरे दिन शुरू। तो हमारी दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है हुआवे की तरफ से। हुआवे का नोवा 8i लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा और 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड कैमरा मिलने वाला है। तो जुलाई 21 की इसकी प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं आज से जुलाई 21 तक। तो देखते हैं ये किस प्राइस पे निकल के आता है। तो हमारी अगली खबर निकल कर आती है पोको की तरफ से। पोको F3 GT जो आपको अगस्त में डेब्यू करता हुआ दिख जाएगा। जी हाँ, तो इसकी लॉन्चिंग अगस्त में हो सकती है और देखते हैं ये किस प्राइस रेंज के ऊपर आता है। अगली न्यूज दोस्तों निकल कर आती है वीवो की तरफ से। वीवो V21 की जो स्पेक्स है वो वापस से र्यूमर्स में आ रही है, और जहां तक कहा जा रहा है कि 8GB उसकी मिनिमम यानी कि बेस वेरिएंट की रैम होने वाली है। और इस फोन के अंदर जो मॉडल नंबर जहां से पता लग रहा है वो है V2061, जो कि बेंचमार्क AI बेंचमार्क के ऊपर लिस्टिंग के अंदर पता है। अब दोस्तों हमारी अगली खबर निकल कर आती है हुआवे बैंड के लिए। जी हाँ, हुआवे बैंड 6 लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, जिसका डिस्प्ले 1.47 इंच का आपको मिलने वाला है, जो दावा करता है कि 2 वीक्स की बैटरी आपको इस बैंड में मिलने वाली है। तो काफी जबरदस्त बैटरी। अब अगली न्यूज दोस्तों निकल कर आती है नथिंग की तरफ से। कुछ नहीं, नथिंग ईयरफोन्स है, ईयरबड्स, नथिंग ईयर वन, जो कि आपको अगर लग रहा है कि चीप होंगे तो भूल जाइए, वो अबाउट 10,000 रुपीज पे होने वाले हैं। जी हाँ, 99 यूरोज के ऊपर उसकी प्राइसिंग रखी गई है। तो देखते हैं इंडिया में 10,000 पर ही आते हैं या फिर उससे भी ज्यादा में देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही खबर थी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। लाल बटन होगा नीचे, उसे दबा देना, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, और साथ में घंटा भी दबा देना जो आपके साइड में दिखेगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको मिलेगी वीडियो की हर नोटिफिकेशन। जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आपको पता लग जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।